শুরু করছি সংবাদ সারাদিন আর শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখব আলিগড়ে এক সাংবাদিককে গুলি দুষ্কৃতীরা গুলি করে চলে যায় সাংবাদিকের পেটে গুলি লাগে এবং এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই সাংবাদিক উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের এই ঘটনা কে বা কারা এই ঘটনা ঘটালো ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ জানা গিয়েছে ওই সাংবাদিকের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে আরো বিস্তারিতভাবে জানবো টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি প্রকাশ সিং প্রকাশ জি अभी क्या सिचुएशन है वहां पे और जो जर्नलिस्ट है उनका क्या सिचुएशन है मैं आपको बता दूं जो एक निजी चैनल के पत्रकार हैं मुकेश गुप्ता जो कल अपने धनीपो मंडी पड़ती है महुआ थाना क्षेत्र में वहां पर अपने बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ इसी दौरान उनका किसी व्यक्ति से विवाद हो गया उसी के दौरान बदमाशों ने उसको गोली मार दी गोली लगते ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया वहां से पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मीडिया कर्मी को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और हमारी जिस तरीके से एसएसपी से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मीडिया कर्मी पर हमला हुआ है और वो अपना खाना पीना खा रहे थे उसी दौरान किसी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है लेकिन उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मीडिया कर्मी के ऊपर हमला होना और टारगेट करना बदमाशों द्वारा तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पुलिस का जो रवैया है जिस तरीके से लोग आए दिन सड़कों पर देखे जा रहे हैं कि शराब पीते हैं और ये करते हैं तो उस पर पुलिस की भी बनती है कि उन पर कार्रवाई की जाए और इस तरह से जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। जी प्रकाश जी और एक बात जानना चाहेंगे इस घटना की क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है अभी तक जिस तरीके से हमारी एसएसपी से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा है दो लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और क्या घटना रही और किस तरह से क्या झगड़ा हुआ था उसी को जानकारी करने के लिए दो लोगों से हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है इसमें टीम गठित कर दी दो टीमें गठित कर दी गई हैं जो कि अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। जी शुक्रिया আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ছিলেন প্রকাশ সিং প্রতিনিধি এবং ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত তা নিয়ে ইতিমধ্যেই কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ যদি এই ঘটনা এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি তবে সাংবাদিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক এরকমটাই জানানো হচ্ছে।